पहला जो वोट आप दियो भी वोट पे वोट मांगा राजस्थान में सरकार बनाना को, अब आपको जो वोट है वो हिंदुस्तान की सरकार बनाना को वोट है। अभी मैंने ऊपर राकेश जी बात करा, श्याम जी बात करा, पिछला चुनाव की बात करा, ये ग्राम पंचायत में 1100 वोट की हार की बात करा और आके रहा कि आप चूक होगी। हूं श्याम जी चूक नहीं, बात चूक मेरे हुई, मैं आगे दिलो दिमाग पर मन मस्तिष्क पर विश्वास कायम कौन कर सको, मैं घर गुआर में दस्तक को नहीं दे सको, मैं मेरा भाव आ तक पहुंचा को नहीं सको। ये कारणों जनता जनार्दन को रूप है और जनार्दन जो को फैसले ले लिए भी मैं कोई गिला सिखवा नहीं। और दिगर बात है कि मैं 7 बार लगातार जीतो, 35 साल जो आदमी जीतते हुए और वो हार देखा है तो मन में विचलित होना स्वाभाविक बात है। हार के तुरंत बाद मैंने आपके बीच में आना चाहिए पर मन विचलित हो। अभी 100 दिन भी गुजरा है तो पिछले चुनाव का और अभी के बाद में सब लोग अमेरिकन आया और मैंने कह ला गया 97,000 लोग थार पर विश्वास कर रहे हैं। चुनाव हारा हो पर ते वोट मांगे हो वो कह के मांगे हो कि राजस्थान में भ्रष्ट कांग्रेस का राज ने खत्म करो, आ पेपर माफिया की सरकार ने खत्म करो, आ किसान के कर्जा माफी पर नीलामी जमीन नीलाम झुकेंगे राज में बंद खत्म करो, बहन बेटिया की इज्जत सुरक्षित करी कांग्रेस ने खत्म करो, तारानगर में बात को नहीं मानी थारी विधानसभा में, पर ते तो प्रतिपक्ष का नेता हूं, ते तो पूरा राजस्थान में पिछले कई सालों चुनाव में पर को प्रचार करा, पार्टी को प्रचार करा, राजस्थान का लोगों बात मान ली और सरकार बीजेपी की बन गई। थारो आधो 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 काम पूरा हो गयो, थाने सीधो लाइसेंस को नहीं मिलो सेवा को, पर सरकार बनी है बिना लाइसेंस के भी थे सेवा कर सको। मैं आपके बीच में तारानगर आयो, आके कार्यकर्ताओं की सभा ली और ये कहो कि हर महीना या तो मैं थार कनाऊंगा या थे मेरे कनाऊंगा कि तारानगर के चौधरी धर्मशाला में समस्या समाधान वास्ते अपना लगातार जनता के बीच में जाऊंगा और जनता का काम करेगा। आज मैं आपको बनेडा राज में आप समझो करो सम्मिलित करो इस वास्ते आज आपको निवेदन करने वास्ते आए और मैंने प्रसन्नता ही बात की है कि आज पहली बार इस सभा में कम गंभीर लोग को नहीं जगह मुंह में राम और बगल में छुरी रखा गया है। जगह दिन में बीजेपी है और रात में कांग्रेस बन जावे, मैं समझू अगर इस आदमी सामने आवे तो निश्चित तौर पर अच्छा लगा। और मैं शिषपाल जी आपने विश्वास दिलाना चाहूंगा, आप इस बार भारतीय जनता पार्टी को दामन पकड़े है, आपने आनंद ही आनंद आओ, आपने सरपंची करना है, अब तक की आपकी सरपंची बुढ़ानिया जी के राज में सरपंची, कांग्रेस के राज में सरपंची, अरे हरेड़ा ही आदमी के राज में सरपंची लिस्ट बना के ले आया थे। आज के जा रहे हूं गरीब लोगों का मकान बन सका, पर आपकी ग्राम पंचायत में बड़ी संख्या में पात्र लोगों का मकान बन मिला, मकान आप लिस्ट बना के लाओ अमेरिकन, कितना कुंड चाहिए, कितना ढारा चाहिए, कितना मकान चाहिए, हक जगह को सारों हक दिलाने की बात थी। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर सर्किल पर बाबा साहब की मूर्ति की बात हो और चाहे मुख्य नहर की बात हो, बिंदु तक नहर को पानी पहुंचे, मैंने जगह लोग लेके बड़ा मेरे घर छुड़ा के आते चुनाव लड़ान वहां से लाया, बहुत तरक्की है की राठौर साहब मारे इलाका के अंदर जब भी चुनाव हो जब पीना को पानी नहर को पानी नहर को पानी पीना को पानी पीना को पानी नहर को पानी वो खेल चल रहे वोट ले जावे और फिर बाबा और ताली बाजे। मैंने अभी वक्त में क्या थे प्रतिपक्ष का नेता हो स्वाभाविक तौर पर बड़ी कुर्सी का हकदार हो थे चुनाव लड़ो
मैं जमीन लिख के देश का कि 5-7 मीटिंग कर जाया मैं थारा सागर आऊंगा। जगह लोग मैंने लेके आया, मेरी कमजोरी रही सारों पहला मैं बंग मन पर बना चुका सारों पहला अबे सर्कल लाग गया उस परिणाम वो निकले 7 बार को जीते रहो राजेंद्र राठौड़ हार को मुक्ति बात गैलरी गला चलेगी। और चुनाव भाई देश को चुनाव है, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के बीच में राहुल गांधी के बीच को चुनाव है, देश का सम्मान को चुनाव। आप कोई आदमी मांग को नहीं करी कि मैंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा मिलना चाहिए, कोई बहन मांग को नहीं करी काज की गैस है अमीरा के घर में क्यों गरीब के घर में गैस को चुन लो क्यों नहीं, कोई मांग को नहीं करी कि अपनी बहन बेटी ने इज्जत घर के रूप में शौचालय मिले, कोई मांग को नहीं करी गरीब के सर पर छत हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ये सारा काम करा, 2024 तक कोई गरीब आदमी ईश्वर नहीं बचा जी ये सर पर छत नहीं हो, मकान में मीठे पानी को इंतजाम नहीं हो, बिजली को इंतजाम नहीं हो, मुफ्त में इलाज को 5 लाख रुपए तक को इंतजाम करो, देश को मान और सम्मान कर चलोगे। दुनिया कहने लगी कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है, गरीब की सेवा की भी गारंटी है। तो मोदी जी देश में हिंदुस्तान फिर विश्व गुरु बनाने वास्ते जिस तेजी प्रगति पर ले जा रहा आप उच्च पेड़ों को नहीं, और चुनाव भी नरेंद्र मोदी को चुनाव। इस चुनाव के अंदर अभी मैं पूछो मैं पहला वोट सब बीजेपी राहुल कुशवाहा जी ने दिया, दू पहला वोट बहुतायत में एक तरफा बीजेपी राहुल कुशवाहा ने वोट दिया। मैं क्यों कितनी बार आया राहुल जी अठे बोले अभी तक तो वोट मांगने को नहीं आया, हमारे गांव में तो वोट हुए जब हलकारा छोड़ रखा है। मैं पहला पहला बीजेपी में वहां पे कांग्रेस में पहुंच गया, देखो कितना शाना आदमी छोड़ रखा है रातों रात पलटो मारे और वे गांव ना दाया बाया करके वोट ना ले जावे और फिर बाबा और ताली बाजे एक तरफ तो बे आपके सामने और दूसरी तरफ एक गरीब की झोपड़ी में झाझड़ी के झाझड़िया की ढाणी में आपको एक हाथ खोके भी आपकी जीवितताओं दुनिया में देश को नाम करने वाला देवेंद्र जी झाझड़िया है। आप प्रधानमंत्री जी की सभा में गया होगा, प्रधानमंत्री दुनिया को सारू बड़ा नेता कह रहे दिल्ली में नरेंद्र तो चूरू में देवेंद्र, देवेंद्र मैं तुम्हारी माँ को के जज्बे को नमस्कार करता हूँ जिसने तेरे जैसे बेटे को पैदा किया जिसने देश देश का नाम दुनिया में देश पद्म भूषण लिख रहे पोस्टर पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया किन्हें मिले पद्म भूषण बिने मिले वो एक बार नहीं कई बार आपके जीवन में देश को नाम करें। ये चौथी कक्षा का बच्चा पढ़ता होगा बैठे हो कोई एक चौथी कक्षा में पांचवी कक्षा में देवेंद्र झाझड़िया को पाठ पढ़ाया जा रहा है फोटो छपेड़ी है और वो क्या बच्चों संघर्ष करके दुनिया में देश का नाम करो तो देवेंद्र झाझड़िया से सीखो, जिंदा आदमी किताबों में है। आप महात्मा गांधी जी ने पढ़ा, नेहरू जी ने पढ़ा, इंदिरा जी ने पढ़ा, लाल बहादुर शास्त्री सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह ने पढ़ा पर वे आज दुनिया में बोली जिंदा आदमी किताबों में बांचो जावे वे आपका उम्मीदवार है। और दूसरी तरफ ऊंचाई मंचा पर 35 साल में इस कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की जननी कहने वाला, कांग्रेस ने चोर पार्टी कहने वाला, कांग्रेस ने किसान और गांव की विरोधी पार्टी कहने वाला, वे राम सिंह जी और राहुल जी अब नए नए चोरों धारण कर रहे कांग्रेस को, देश में कांग्रेस ऊपर निकल रहे हैं लोग पर राहुल कुशवाहा जी राहुल गांधी गंज रह गया। और गांव में मैं पूछ रहा हूं हाँ गांव में आया को नहीं आवे भी को नहीं वोट का तो ठेकेदार हटा बैठा भाई, मैं ठेकेदार जी थाने धन्यवाद देना चाहूँ आज मेरी मीटिंग में को नहीं आएंगे तो बिना मतलब मैं बिना छोटी गांव से बैठा है बहुत किसान देना को नहीं तो
मैं निवेदन करना चाहूं और चुनाव जिका परिवार ने 14 बार टिकट मिली, 6 बार एमपी की टिकट लेके आया कौन राम सिंह जी, 2 बार राहुल जी आया ना राजगढ़ चुनाव को लड़ते जी, 3 बार कमला जी लड़ लियो और 1 बार राम सिंह जी लड़ लियो, 1 बार सरदार सिंह उपचुनाव लड़ लियो, 1 बार प्रमुख को लड़ लियो, प्रधान को लड़ लियो, 14 बार कमल को फूल बड़ा बहुत अच्छा, और अब 14वीं बार टिकट कौन मिली और सत्यानाशी को फूल है और कांग्रेस पार्टी अच्छी हो और गांव में वो बनिका के राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री बनाने वास्ते चुनाव मैदान में वो बनिका के कांग्रेस पार्टी ने वोट दोगा तो मैं देश और दुनिया में मेरा ये एजेंडा है, मेरी टिकट कट गई। मैंने एक बात बताओ, एक आदमी ने एक बार टिकट भेजा है फिर भी टिकट कदे नहीं कटे तो राजतंत्र हो गया भाई, पट्टो थोड़ी लिखाई है और टिकट तो भाई लखना कटे जब तो जितना भी बीजेपी का उम्मीदवार है ये हारना चाहिए, राजेंद्र राठौड़ हारना चाहिए, दे दमादम टेलीफोन लोगों ने कहा है बड़े अवनेश महर्षि हारना चाहिए, राजकुमार रणवा भी हारना चाहिए, तो संतोष मेघवाल भी हारनी चाहिए, हरलाल सारण भी हारना चाहिए, हरलाल के पीछे तो भी बड़े भाई राजेंद्र खड़े हारे को नहीं, और भी सारा ही हारना चाहिए तो भी परिणाम निकलो 8-2 जीत्या है बीजेपी का, 8-2 जीत्या चूरू में टिकट बदली गई, 8-2 जीत्या सदा गंगानगर में टिकट बदल गई, 8-2 जीत्या झुंझुनू में टिकट बदल गई, 8-2 जीत्या धौलपुर करौली में टिकट बदल गई, 8-2 जीत्या दौसा में टिकट बदल गई, 13 लोगों की टिकट बदल दी, एक आदमी भी सामने को नहीं आया आपकी पार्टी छोड़कर कांग्रेस जाके कह रहा कांग्रेस अच्छी, मेरे समझ में को नहीं आई भाई, मतलब ये जवानों खड़ा हो दूर खड़ा हो कौन आदमी कठा जन्म ले वो कठा मरे वो बेमाता त्याग करे, कल तक मंचा पर मांगा सागा चढ़तो मैं जब तो राजेंद्र अंकल, कल तक मांगा प्रचार में गली गांव में घूमता तो राम सिंह जी को लक्ष्मण, आज मैं छोड़ गया मैं तो मेरी पार्टी में हूं तो आज मैं कंस हूं तस्कर हूं सामंत हूं, गाली गलौज की भाषा में आ गया, अरे मुद्दा की बात करो भाई, मैं इतनी बार चुनाव लड़े 7 बार जीते हूं, मेरे सामने भी कोई नहीं कोई जाति कोई नहीं कोई समाजवाद में लड़े, मैं भी समाज के बारे में कभी अपशब्द को नहीं बोला, चुनाव लड़ लो चुनाव का तरीका लड़ो, पर मेरे समझ में एक बात को नहीं आई कहीं मैंने कोई पेटेंट निकलना है क्या, मतलब राम सिंह जी के घर में राहुल जी जन्म ले मैं तो जाट ही वास्ते वोट देगा, और भी राम सिंह झाझड़िया के घर में पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया जन्म ले तो वो जाट को नहीं, क्यों भाई मैंने समझा दो मैं भी समझ लेवा, या तो सिर्फ राम सिंह जी के परिवार में जो को है वही जाट है, कुछ तो समझो भाई, देखो भाई राज तो 4.5 साल तक कोई रहने वाले है और राज छोड़ी हट जाओ बट वो कितना तो फैसलो कर दियो हजार एक बटो मेरे पीछे लगे कड़बे देखे, पर अब राज थोड़ी बदलेगा वो राज तो वही रहना है, क्या आप नहर की बात आप मेरू कर रहे हो, अम्बेडकर सर्किल बनाना की बात मेरू कर रहे हो, मैंने 10 दरखास्त और दे दी, बाप जी ये जगह पहला सरकार ही गलौत की अरे मिची मिची आख्या हूं बनाने वाली थरकन आता हूं यहां फिर मैं सचाना वोट दे दिया राम गवाई फिर मैंने हाथ खड़ा करके बताओ तो मोदी जी ने प्रधानमंत्री कितना लोग बनाना चाहते अब देखो जी पीछे खड़ा 5-7 टापर कौन बनाना चाहे बच्चा लोगो ये मुल्क में नौजवान वास्ते है ये मुल्क का भविष्य का वास्ते है जाति पाति नहीं और मोदी है आज की तारीख के बाद में कल चुनाव दूसरा आ जाएगा पंचायत का चुनाव लड़ोगा सरपंच का चुनाव लड़ोगा तो वो फैसलो करके लड़ोगा कि मैं तो एक जाति का वोट लेकर सरपंच बनाऊंगा पल में मासा पल में तोला वो चले नहीं लोकतंत्र में शामिल बाजू बजाना पड़ेगा
सब लोगों ने सागर लेके चलना पड़ेगा, आप धर्म और धड़ा पर रहना पड़ेगा। कल तक बीजेपी अच्छी, मैं भी सरदार सर में पोस्ट लाग रहा हूं, मोदी जी का अभिनंदन, राम मंदिर, राम जी का मंदिर बना दिया अभिनंदन, राहुल कस्वा। फिर आगे लिख रखियो एक पोस्टर, मैं हूं मोदी का परिवार, फोटो आपकी लगा रखी है। परिवार परिवार के देखो युद्ध में उतरे है और परिवार को सदस्य है, सामने दुश्मन मिलत मिलके के लोग गद्दार के है, इतिहास गद्दार के है। इस वास्ते मैं आपको निवेदन कर वास्ते आए, गैल का चुनाव गैलरी ग्रह चला गया, बदलो राजू संजो करो, मारो काम कराओ और देश की तरक्की के वास्ते मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाओ। और दूसरा एक निवेदन और करूं भाई, पिछले चुनाव में मैं बहुत बार आया, रात ना के कहता दिन में आके कहता, वो 2200 गांव का चुनाव है, ये गांव इस चुनाव में थाने ही मोदी बनना पड़ेगा और थाने देवेंद्र झाझड़िया बनना पड़ेगा और थाने ही वहां लोगों ने छाटना पड़ेगा। जगह आज कांग्रेस के अंदर है तो बने पक्का करना पड़ेगा, 4.5 साल तक कांग्रेस में रहे, लिया सरपंच का चुनाव में भी कांग्रेस में रहा और बदल मत जाए, कोई जरूरत नहीं बदलाव की। कोई 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 सोचा कि नहीं करा कोई मैं बदला, अगर कोई आत्मा नहीं माने और सुबह कांग्रेस में रात न बीजेपी में, रात न बीजेपी में सुबह कांग्रेस में, और स्वच्छ लोकतंत्र की पहचान को नहीं। ये वास्ते आपकी चौपाल में आपको निवेदन करने वास्ते आए हूं, देश की उन्नति तरक्की वास्ते हर गरीब के सर पर छत हो, मोदी जी को नारो है। और सरपंच साहब आपने कह के जा रहे हूं, आपके ग्राम पंचायत में गरीब लोगों से अगर आप बुरा मत माना, न्याय को नहीं मकान को नहीं मिला, अने शौचालय पूरा कौन मिला, धारा भी कौन मिला, तो लिस्ट बनाओ, लिस्ट बना के मेरे के नाओ। और आज के जा रहे हो इंसान गरीबा ने चाहे वोट कोई दे नहीं दे, अने बिल्कुल छूटे बात देखो, बाकी लोग आगे बिल्कुल मत ले, गरीब आदमी है जगह पूरी मदद करो। और आप मेरे कहने 150 लोगों की लिस्ट बना के चुनाव के बाद आओ, मैं मकान बनाऊंगा, गोचर में बसे रहे वो प्रस्ताव बना के लाओ। और पहला जगह ज्यादा क्या है ना, मैंने पहला छूट दे दो, और मैंने एक मोटर दे दिया तो भी जाओ कांग्रेस में बुढ़ानिया जी बड़े दौरे कर रहे हैं, जाओ एक पे या तो बाऊ करा लिया 15-20 दिन बाद पिता लिया, नहीं हुए ना जब मेरे को ना जाए वो काम भी होना काम है निश्चित तौर पर, आपका बाकी सारा काम निश्चित तौर पर कराऊंगा। तो आप सब ने धन्यवाद देता हूँ, अगर मेरी बातों से सहमति हो थे देवेंद्र झाझड़िया बनोगा, गरीब की झोपड़ी में पैदा बढ़ाकर मदद करोगा, फिर मोदी का दूध बनोगा।